Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. Welcome friends, self adhyayan par tally ke andar manufacture process accounting mein aaj hum unsolved question jo ki maine pichli videos mein aapko bataye the, teen questions hain aur unko hum aage karne ki koshish karte hain. To yahan par question number 1 hum agar dekhen तो विष्णु डीलर है कंप्यूटर का और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमें बताना है कंप्यूटर में फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है कि वो किस रेट का बैठता है और जिसमें ये आप देख सकते हैं फॉलोइंग आइटम्स जो हैं वो हमारे कंप्यूटर में अटैच होते हैं. यहाँ पर जितने भी हमारे आइटम्स हैं उन सबको हम दो पीसी बनाने में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर i5 और कंप्यूटर i7. सबसे पहले तो जितने भी आइटम आपको दिख रहे हैं आपको उन सब के स्टॉक आइटम चढ़ाने होंगे. स्टॉक आइटम में चढ़ाने के बाद अगर यहाँ पर कुछ एंट्रीज दी गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे आइटम्स हमने हेमराज से खरीदे हैं और हर आइटम पर 2-2% का डिस्काउंट है. तो आइटम तो सबको आपको बनाने ही हैं. आइटम बनाने के बाद आपको एक परचेज चढ़ानी है और परचेज चढ़ाने के बाद फिर वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करना है. तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम ये सारे आइटम्स जो भी परचेज कर रहे हैं इनका पहले आइटम बना लेते हैं और फिर इनकी परचेजेस चढ़ा देते हैं. तो पहले इतना काम कर लेते हैं, आइए प्रैक्टिकली देखते हैं. सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद हम यहाँ पर यूनिट्स ऑफ मेजर बना लेंगे, पीसीज. उसके बाद यहाँ पर हम आइटम बना लेते हैं. आइटम में हम सबसे पहले जो भी डिटेल्स है यहाँ पर अवेलेबल, जैसे कीबोर्ड और माउस जो कि एचपी कंपनी के हैं और वायरलेस हैं, इनकी हम एंट्री चढ़ा देते हैं. यहाँ पर डाल देते हैं हम कीबोर्ड एचपी वायरलेस और इसे ले लेते हैं यूनिट्स पीसीज के अंदर. इसी तरीके से अगर कुछ आपकी मिस्टेक हो जाती है तो आप पेज अप कर सकते हैं. पेज अप करने के बाद आप यहाँ पर उसे मॉडिफाई कर सकते हैं. F हमें सेव करा देना है. उसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड लेने के बाद हम डाल देते हैं माउस HP वायरलेस और इसी तरीके से हम सारे आइटम्स बना लेंगे. तो मैं अभी सभी आइटम्स बना देता हूँ, उसके बाद आपको और आगे का बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो पॉज करके मैं सारे आइटम्स यहाँ पर आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ. तो आप ऑल्टर में देखेंगे अभी दो ही आइटम है, अभी मैं सारे आइटम्स क्रिएट कर देता हूँ. तो सभी आइटम अब बन चुके हैं. अब इन आइटम्स को हमें करना होगा परचेज. परचेज करने के लिए जिस पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं उसका लेजर यहाँ पर बनाना है. पार्टी का नाम है हेमराज जिससे हम परचेज कर रहे हैं और इसे डाल देना है सेंडरी क्रेडिटर के अंदर. उसके बाद परचेज का एक लेजर बनाना है और डाल देना है परचेज अकाउंट के अंदर. इन सभी के बाद अकाउंटिंग वाउचर में हमें जाना है, F9 को प्रेस करना है और यहाँ पर पार्टी के नाम के साथ हमें ट्रांजैक्शन करनी है जो भी आइटम्स परचेज हुए हैं. F11 F2 करते हुए हमें यहाँ से डिस्काउंट कॉलम भी खोल लेना है अगर डिस्काउंट की एंट्री हमें करनी है अपने इनवॉइस में, क्योंकि यहाँ पर 2% डिस्काउंट है तो हमने डिस्काउंट कॉलम को यहाँ से ओपन कर लिया है. अब जितनी भी ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं इन ट्रांजेक्शन्स को आपको डालना है. मैं दो ट्रांजेक्शन करने के बाद सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर फिल कर देता हूँ. सबसे पहले कीबोर्ड है एचपी वायरलेस 50 पीस और माउस 50 पीस 599 और कीबोर्ड है 699. तो यहाँ पर कीबोर्ड की एंट्री हम कर देते हैं 50 पीस 699 के रेट से 2% डिस्काउंट और उसके बाद माउस की भी एंट्री कर देते हैं 50 पीस 599 2% डिस्काउंट. इसी तरीके से सारी एंट्रीज हमें यहाँ पर डालनी है. तो सभी एंट्री हम यहां पर डाल चुके हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन में लिखा था परचेजेस सारे डाल दिए हैं. टोटल इनवॉइस का अमाउंट 23,50,089 रुपये आ रहा है और इसको हम यहां से पास करा देते हैं. पास कराने के बाद हम अगर स्टॉक समरी में अपनी ये सारी ट्रांजैक्शंस की देखना चाहें स्टॉक अवेलेबिलिटी, तो आप देख सकते हैं सारे स्टॉक्स हमें यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर भी हमें टोटल अमाउंट शो हो रहा है 23,50,089 रुपये. अब हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है कोर i5 और कोर i7, दो तरीके के कंप्यूटर्स जिसमें इनमें से ही हमारे मटेरियल यूज होने वाले हैं.
i7 के लिए i7 मदरबोर्ड और i7 प्रोसेसर लगेगा और i5 के लिए i5 का मदरबोर्ड और i5 का प्रोसेसर लगेगा। तो i5 में हम 4GB रैम लगा रहे हैं, 1TB की जगह हम 500GB वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और जो हम कोर i7 बनाएंगे i7 PC उसमें हम 1TB हार्ड डिस्क और यहाँ पर यूज़ करेंगे 8GB रैम का। तो आइए इन सब की एंट्रीज हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं स्टॉक आइटम पर और यहाँ पर डाल देते हैं PCI5 और यहाँ पर यूनिट्स ऑफ मेजर पीसीज रखते हुए सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल, इस फीचर को आपको यस रखना है क्योंकि इसी के अंदर हम मटेरियल बताएंगे कि इस पीसी को बनाने में क्या क्या मटेरियल और कितना कितना मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो i5 पीसी बनाने के लिए एक पीसी का हमें यहाँ पर एग्जांपल देना है। कैबिनेट हमारा यूज़ हो रहा है एक पीस, हमारा कोर i5 यूज़ हो रहा है क्योंकि i5 पीसी बना रहे हैं एक पीस, उसके बाद DVD राइटर यूज़ हो रहा है एक पीस, गीगाबाइट हमारा जो i5 के लिए मदरबोर्ड है उसका एक पीस हम यूज़ कर रहे हैं, हार्ड डिस्क हमें लेनी है 500GB एक पीस, उसके बाद कीबोर्ड हमें यूज़ करना है एक पीस का, LED हमें यूज़ करनी है एक पीस, माउस हमें यूज़ करना है एक पीस, पावर केबल अगर आप डबल लगाते हैं तो डबल यूज़ करना है यहाँ पर। तो हम मान के चल रहे हैं हमारा एक पावर केबल का यूज़ हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर रैम 4GB हमें यूज़ करनी है और उसके बाद यहाँ पर हमें UPS हमारा जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है उसको 1 PC यहाँ से पास कराना है। तो ओवरऑल सारे जो भी आइटम्स हैं i5 PC में लगने वाले वो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं, इसको हम पास करा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से ले लेते हैं PCI7 के लिए, यहाँ पर हमें पीसीज रखते हुए इसका भी बिल ऑफ मटेरियल को यस रखना है। i7 PC में कौन कौन से आइटम्स हमारे यूज़ होंगे वो हमें ले लेना है। कैबिनेट हम यूज़ करने वाले हैं, जनरेशन कोर i7 के लिए हम यूज़ करने वाले हैं प्रोसेसर, DVD राइटर एक इस्तेमाल करने वाले हैं, मदरबोर्ड भी i7 के लिए यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद हार्ड डिस्क 1TB, कीबोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं एक पीस, LED, माउस जो भी रिलेटेड हैं वो सारे आपको यहाँ से यूज़ करना है, पावर केबल एक पीस, उसके बाद रैम 8GB और UPS एक पीस। अब हमें मैन्युफैक्चर वाउचर बनाना होगा जिसके बाद हमारे आइटम के अकॉर्डिंग रेट उठ के हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस हमें पता लग जाएगा। तो वाउचर टाइप पे जाते हैं, क्रिएट पर, यहाँ से डाल देते हैं PC मैन्युफैक्चर और स्टॉक जनरल में रखते हुए लास्ट में यूज एज अ मैन्युफैक्चर जनरल को यस सेट कर देना है। अब अगर आप स्टॉक समरी देखें फिर से तो आपको PCI7 और i5 दोनों अभी नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले नीचे एक असेंबलिंग चार्जेस भी हमें जोड़ना है। i5 में ₹300 पर पीस चार्ज होता है और i7 में ₹700 पर पीस। यहाँ पर i5 की जगह i7 है, इसको मैं मॉडिफाई कर दे तो यहाँ पर i7 में ₹500 पर पीस हमारा चार्ज हो रहा है और i5 में ₹300। तो फाइनल हमें प्राइस पता करना है कि एक PC का क्या प्राइस बैठेगा, i5 का या i7 का। तो आइए देख लेते हैं, सबसे पहले असेंबलिंग चार्जेस हम बना लेते हैं एक लेजर। असेंबलिंग चार्जेस हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्योंकि ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग से अलग खर्चा है। असेंबलिंग चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और हम ले लेते हैं अब मैन्युफैक्चरिंग वाउचर जिसके लिए Alt F7 की दबानी होगी हमें। Alt F7 दबाते ही यहाँ पे PC मैन्युफैक्चर लेना है हमें। जो PC बनाना है सबसे पहले हम i5 PC बना रहे हैं और यहाँ पर कितने मैन्युफैक्चरिंग करने हैं वो मेंशन होगा PDF में। हमें 15 PCs बनाने हैं i5 के, तो यहाँ पर 15 क्वांटिटी ले लेते हैं और 15 क्वांटिटी लेने के बाद जो हमारा असेंबलिंग चार्जेस है 15 PC पर कितना होगा। जब एक PC पर हमारा ₹300 है तो 15 PC पर होगा हमारा ₹4500। तो नीचे हमारा इफेक्टिव प्राइस रेट आ चुका है, इसे हम देख लेते हैं स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में आप देखेंगे i5 का यहाँ पर रेट आ चुका है ₹36655.06। ये हमारा PCI5 का फाइनल रेट आ चुका है जिसका हमारा जो सेल प्राइस होगा वो इससे ऊपर का होगा। इसी तरीके से हम i7 का भी रेट निकाल लेते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। Alt F7 हम प्रेस कर देते हैं,
पीसी मैन्युफैक्चरिंग पे चले जाते हैं और यहाँ से ले लेते हैं PCI7, जिसकी हमें 18 पीसीस को मैन्युफैक्चरिंग करना है। और 18 पीसीस डालने के बाद हमारे स्टॉक आइटम में से 18 सभी पीसीस कम हो जाएंगे और हमारे 18 PCI7 मैन्युफैक्चर हो जाएंगे। इसमें असेंबलिंग चार्ज हमें जोड़ना है ₹500 पर पीस के हिसाब से, तो 18 पीसीस पर हमारा बैठेगा ₹9,000 असेंबलिंग चार्ज। तो ये सब हमने इन्हीं आइटम्स में ऐड कर दिए हैं। अब अगर हम अपना स्टॉक समरी में I5 और I7 का रेट देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं I5 का रेट है ₹36,655.06 और PCI7 का रेट है ₹41,598.26। तो आंसर की अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारा I5 का रेट ₹36,655.06 और I7 का ₹41,598.26 आ चुका है। अब वो डिफरेंस हो सकता है कि आपने आइटम्स कितने यूज करे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे साइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडेशन के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।